ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग विभास कुमार झा के जय जोहार। पहले सुनाओ आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर देश में कोरोना वायरस के अभी के हालत ला सामाजिक आपातकाल बताई है। दंतेवाड़ा में एक इनामी माओवादी गिरफ्तार। सुकमा में नक्सली मन मुखबिरी के शक में एक जवान मनखे की हत्या कर दीन। जम्मू कश्मीर में शहीद जवान के शव ने श्रद्धांजलि देके बाद आज कोंडागांव भेजेगी। और आज देशभर में हनुमान जयंती आस्था और उल्लास के संग मनाये जावत है। अब समाचार विस्तार ले सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर देश में कोरोना वायरस के अभी के हालत ला सामाजिक आपातकाल बताई है। लोकसभा और राज्यसभा में आने आने दल के नेता मन संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में श्री मोदी है कहिन कि देश है ए बेरा में एकदम कड़ा फैसला लेबर मजबूर हो गए है। एक स्थिति तालाबंदी ने लागू करे गए है। प्रधानमंत्री है कहिन कि देश के एक एक मनखे के जान बचाना ए बेरा में सरकार के सबले पहली काम है। हालांकि तालाबंदी के स्थिति देश में आर्थिक कामकाज प्रभावित हुआ थे, फिर कोरोना ले निपटे बर ऐसा चुनौती के घलो सामना करना पड़े थे। ए बैठक में प्रधानमंत्री है कोरोना वायरस के खिलाफ सावधानी के स्थिति ए महीना के 14 तारीख के बाद घलो तालाबंदी बढ़ाए के कतकुन राज्य के मामला देखत अवैया बेरा में जरूरी उपाय ऊपर जम्मो नेता मन ले सुझाव मांगीन। केंद्रीय गृह मंत्रालय है राज्य मनला कहे है कि उमन सही दाम में जरूरी जिनिस लोगों मनला देवावे। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है राज्य के मुख्य सचिव मनला चिट्ठी लिख के कहीन है कि उमन जमाखोरी कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करियामनु पर कड़ा कार्रवाई करें। गृह सचिव और राज्य मंडल कहे हैं कि उमन आवश्यक वस्तु कानून के तहत अनाज दवाई और इलाज के सामान के पूर्ति करें। श्री भल्ला यहू कहें कि जम्मो राज्य में जरूरी सामान के भंडारण और कीमत के ऊपर लगातार निगरानी रखे जाए। संगे संग दुकानदार मन के खाता के जांच करे जाए जेखर ले कोनो भी सामान के कालाबाजारी झन हो सके। उमन कहें कि सरकार के निर्देश के पालन नहीं करैया व्यापारी मनु पर कड़ा कार्रवाई करे जाए। उन्हें भारतीय खाद्य निगम हर देश भर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम ले अनाज पहुंचावत है। ये योजना में हरेक मनखे ला 5 किलो अनाज हर महीना फोकट में दे जाही। यही बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल है कहीन है कि सरकार समाज में कोरोना संक्रमण के फैलाव ला रोके बर हर किस्म के उपाय करत है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है कोरोना वायरस ला रोके बर 3 किस्म ले स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था करके फैसला ले है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के बारे में बताई कि कोरोना वायरस ले संक्रमित मरीज मन के इलाज पर 3 किस्म के स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा की व्यवस्था करे जाही। एमा देखभाल केंद्र स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल शामिल है। संयुक्त सचिव है पांचों दिन में हुए एक शोध के हवाला देके बताई कि कोरोना वायरस ले संक्रमित एक भी मरीज तालाबंदी के नियम के पालन नहीं करी तो वह 30 दिन में 400 ले ज्यादा मनखे मन ला संक्रमित कर सकत है। प्रदेश में काली एक ही दिन में 1,47,000 ले ज्यादा जरूरतमंद मजदूर और बेसहारा मनखे मन ला फोकट में खाना और अनाज देगीस। संगे संग कोरोना वायरस के संक्रमण ला रोके बर 2,35,000 ले ज्यादा मास्क और सैनिटाइजर और साबुन घलो बांटेंगे है। उन्हें जरूरतमंद मनखे मन ला बांटे जात खाना और दूसर जरूरी जिनिस के हर दिन जांच घलो करे जात है। प्रदेश में बीते 7 अप्रैल के दिन 1,47,000 ले ज्यादा जरूरतमंद मजदूर मनला मुफ्त में भोजन के अलावा राशन उपलब्ध कराएगी इसे। वहीं जरूरतमंद मनला बांटे के भोजन और जरूरी सामान के लगातार निगरानी घलो करे जात है। कोरोना वायरस के संक्रमण रोके और नियंत्रण राखे पर प्रदेश के आने आने जेल मनले अब तक के कुल 1,478 कैदी मनला छोड़े जा चुके हैं। ये मनले 427 कैदी मनला 3 महीना में कमती बेराबर और 742 कैदी मनला 3 महीने ले ज्यादा बेराबर जमानत में छोड़े गए है। एक संगे संग 262 कैदी मनला पेरोल में छोड़े गए है। उन्हें 46 कैदी मनला सजा पूरा होने के बाद आने आने जेल ले छोड़े जा चुके है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। आगू बढ़े पहली आवाज सुनन कोरोना ले बचाव बर ए जानकारी। देश भर में नोवेल कोरोना वायरस के बढ़त संख्या ल देखत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है सबो मनला कुछ विशेष सलाह दे है। मंत्रालय है लोगन मनला सामाजिक दूरी बनाए रखे के संगे संग साफ सफाई राखे भर और भीड़ भाड़ ले बांचे के उपाय करे भर कहे है। केंद्र सरकार है कहे है कि जरूरी सामान के आपूर्ति करे जावत है और लोगन मनला चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं है। मंत्रालय डहार ले यहू सलाह दे गए है कि घरेलू सामान और डॉक्टरी सामान के खरीदी उत्केच करे जाए जतका जरूरी हावे। जरूरी सामान ला खरीदे भर एक दो घाव बाहर जाना ठीक है। संगे संग लोगन मन ले हाथ मिलाए ले घलो बाचना चाहिए।
बजार, दवई दुकान व अस्पताल मन मा लोगन कम से कम एक मीटर की दूरिया बनाए रखाए। लोगन मनला अपन आखी, कान, नाक और मुंह ल छुए ले बचना चाहिए और थोरिक थोरिक देर मा 20 सेकंड तक साबुन ले हाथ ला धोवत रहना चाहिए। अतका उपाय करे ले कोरोना ले बचे जा सकत है। और एक फिर सुनो हमार बांचे समाचार ल। भारतीय लघु उद्योग विकास निगम ह कहे है कि वह छोटे और मझोला उद्योग पर सरकारी आदेश के तहत 1 करोड़ रूपये तक के कर्जा दे बर तैयार है। कोरोना वायरस के संक्रमण के खिलाफ बैंक के आपातकालीन मदद पर कोनो किस्म के संपत्ति ला बंधक रखे पर नहीं पड़ी और एक कर्जा दरखास्त जमा करे के 2 दिन के भीतर दे दे जाही। बैंक यहू कहे कि एक कर्जा ऊपर सिर्फ 5% ब्याज लगी। बैंक ने बताया है कि अभी के हालत ला देखत एक कर्जा के सीमा 50 लाख रूपया ले बढ़ा के 2 करोड़ रूपया कर दे गए है। केंद्र सरकार ह कोरोना वायरस के रोकथाम पर जंगली जानवर और खास करके बाघ मन के सुरक्षा करे पर जम्मू राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश मन ला सलाह दे है। अमेरिका में एक जन बाघ के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर ला देखत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मनला लिखे गए चिट्ठी में कहे है कि कोरोना वायरस ले मनखे मनला बचाए के संगे संग अब जानवर मनला घलो सुरक्षित रखे के उपाय करना जरूरी है। मंत्रालय यहू कहे कि देश के सबो चिड़ियाघर में रही या जंगली जानवर मन के सुरक्षा के विशेष उपाय करे जाए और वहां अवैया जवई मनु पर कड़ा निगरानी रखे जाए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है 10वीं और 12वीं के परीक्षा के नवा तारीख की घोषणा कर दे है। ये परीक्षा मई के पहली हफ्ता में होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल डहर ले जारी सूचना में बताया गया है कि अब बाकी विषय के परीक्षा 4, 5, 6 और 8 मई के होगी। खबर के मुताबिक 5-21 मार्च ले शुरू हुए ये परीक्षा ला तालाबंदी की स्थिति रोक दे गई रही से। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कतकुन गांव के दौरा करके लोगन मन ला कोरोना वायरस ले बचाव पर जागरूक करीन। श्री साहू आज अपन दौरा में उतई, पौवारा, जंजगिरी, अंडा, विनायकपुर, आमटी, निकुम, खाड़ा और अंजुरा गांव पहुंचीन जिहां ओमन कोरोना के स्थिति केंद्र और राज्य सरकार डहर ले चलाए जात राहत योजना के जानकारी दीन। श्री साहू गांव के रहैया मन ला खुद के संगे संग घर बाहर के साफ सफाई रखे बर कहिन। गृहमंत्री ए बेरा में बाहर ले अवैया मनखे मन के जानकारी तुरते स्वास्थ्य विभाग ला देवर घलो कहिन। सोशल मीडिया के व्हाट्सएप कोरोना वायरस ला लेके गलत जानकारी में फैलाव ला रोके बर मोबाइल के संदेश भेजे बर नवा नियम लागू करे है जेमा एक संदेश ला एक घाव में सिर्फ एक मनखे ले भेजे जा सके। पाछू दिन में कोरोना वायरस ले जुड़े कतकुन गलत जानकारी के तेजी ले फैले की खबर मिले के बाद व्हाट्सएप के संचालक मन डहर ले ऐसन कदम उठाए गए है। आज देशभर में हनुमान जयंती आस्था उल्लास के संग मनाए जात है। लॉकडाउन की स्थिति भक्त मन मंदिर नहीं जावत है फिर मन अपन घरे में रह के पूजा पाठ करत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है हनुमान जयंती के मौका में लोगन मनला शुभकामना दे हैं। अपन संदेश में ओमन ये भरोसा जताईन है कि हनुमान जी के जीवन ले सीख लेके लोगन मनला कठिन समय ले बाहर निकले में मदद मिली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो प्रदेशवासी मनला हनुमान जयंती के बधाई और शुभकामना दीन है। अपन संदेश में मुख्यमंत्री है जनता के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करीन है। श्री बघेल है विश्व में कोरोना संक्रमण ले जल्दी ठीक हो के प्रार्थना घलो करीन है। दंतेवाड़ा जिला में कुटरेम के जंगल में सुरक्षा बल के जवान मन एक इनामी माओवादी लगे गिरफ्तार करीन है। उन्हें सुकमा जिला में नक्सली मन मुखबिरी के शक में बड़े सेट्टी गांव के एक जवान मनखे के हत्या कर दीन। दूसरे को दी जम्मू कश्मीर में शहीद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान के सौला आज रायपुर लाए गिस। यहां श्रद्धांजलि दे के बाद शहीद जवान के सौला कोंडा गांव भेज दे गिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है देश में कोरोना वायरस के अभी के हालत ला सामाजिक आपातकाल बताईन है। दंतेवाड़ा में एक इनामी माओवादी गिरफ्तार। सुकमा में नक्सली मन मुखबिरी के शक में एक जवान मनखे मन के हत्या कर दीन। जम्मू कश्मीर में शहीद जवान के शव ला श्रद्धांजलि दे के बाद कोंडा गांव भेजे गिस। और आज देशभर में हनुमान जयंती आस्था और उल्लास के संग मनाए जात है। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं से रावत है। जय जोहार।